सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, मी बीइंग वर्किंग इन एसबीआई, मैं डेफिनेटली समझ सकता हूं कि जो लोग वेट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, वेटिंग लिस्ट आने में 3 मंथ लगते हैं ज्वाइनिंग से। दैट इज़ हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 14 अगस्त को, तो 14 अगस्त के बाद आप नवम्बर में मानकर चलिए वेटिंग लिस्ट आने वाली है। अब सबसे बड़ी बात, 3 वेटिंग लिस्ट आती हैं एसबीआई में। ये 3 वेटिंग लिस्ट में अलग अलग तरीके से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी वाइज, फिर मार्क्स वाइज, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अब दोस्तों, जो पहली वेटिंग लिस्ट आएगी, मेरा ये मानना है कि अलग अलग, देखिए अलग अलग स्टेट्स हैं, जहाँ जहाँ हर जगह लगभग वैकेंसीज इस बार बढ़ी हुई आई थी एसबीआई में। तो अगर मैं मैक्सिमम स्टेट्स की कहानी बताऊँ, तो जिन बच्चों के भी मार्क्स 1.5 मार्क्स के आसपास कम है, 1.5 मार्क्स 1.5 मार्क्स के आसपास कम है, उनका नाम आने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं जो वेटिंग लिस्ट है उसमें। अब कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में भी ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसे कुछ बच्चों का कहीं और हो गया होगा सिलेक्शन एंड ऑल। तो दोस्तों उस केस में फिर सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगी, और सेकेंड वेट लिस्ट के बाद थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी। अब ये वेटिंग लिस्ट के बीच का समय जो होता है वो लगभग 3-3 महीने का ही होता है, ये भी लगभग। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं वेटिंग लिस्ट की, तो नवंबर में आपको वेटिंग लिस्ट डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हेफ्टी अमाउंट ऑफ बच्चों ने सेलेक्ट नहीं करा है। मैंने बहुत जगह बातें करने की कोशिश करी, तो मुझे वहां से पता चला कि देर आर मेनी स्टूडेंट हु हैव नॉट ज्वाइन। लगभग 50-60% बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा है, लगभग 50% बच्चों ने ज्वाइन नहीं कराया एसबीआई, क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट भी काफी लेट आया था। उससे पहले पीओ के पेपर्स हो गए थे, एसबीआई पीओ के पेपर्स हो गए थे, आईबीपीएस पीओ के पेपर हो गए थे, तो बच्चों ने वहां ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से एसबीआई क्लर्क में बहुत ज्यादा जो सीटें हैं वो वैकेंट रह चुकी हैं। जिसकी वजह से दोस्तों मैं ये कहूंगा कि थर्ड वेटिंग लिस्ट आने आने तक जिनके मार्क्स 5 मार्क्स तक भी कम है, उनकी भी एक अच्छी खासी चांसेस है कि उनका नाम आ जाएगा। देखिए, मैं इस बार ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले बार खुद मेरा एक दोस्त था जिसके 4.75 मार्क्स कम थे और उसका भी सिलेक्शन हो गया था, जबकि पिछली बार वैकेंसीज कम थी और पिछली बार डिले भी नहीं हुआ था जो एग्जाम है, एग्जाम भी डिले नहीं हुआ था, उसका रिजल्ट भी डिले नहीं हुआ था। बट इस बार एसबीआई का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले हुआ, जिसकी वजह से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है उसमें बहुत अच्छे खासे बच्चे सेलेक्ट करे जाएंगे, क्या पता पहली वेटिंग लिस्ट में नहीं तो दूसरी तो तीसरी। तो दोस्तों अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे रेंज में हैं, अगर आपको लगता है कि जो आपके मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स के पास हैं जो आपकी कट ऑफ गई थी उससे, तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है एसबीआई में सेलेक्ट होने का। तो दोस्तों पहली वेटिंग लिस्ट का वेट करिए, लेट सी क्या रहता है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने मार्क्स कम है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या आपके स्टेट में पिछले बार के मुकाबले वैकेंसी ज़्यादा थी या कम थी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।